वान माने होता है तृष्णा वासना। वासना तीन प्रकार की होती है, काम वासना, भव वासना और विभव वासना। यानी काम तीन प्रकार की वासनाओं पे जो नियंत्रण पा लेता है, काम तृष्णा पे, भव तृष्णा पे, विभव तृष्णा पे, इन तीन तृष्णाओं को विच्छेद कर देता है, इनका अनुमूलन कर देता है, वह भगवत हो जाता है। जिसने अपने जीवन में तीन तृष्णाओं का नाश कर दिया वो भगवंत है। ये तीन तृष्णाएं हमारे पांच इंद्रियों से जुड़ी होती है, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, नासिका से। इन पांच इंद्रियों के आकांक्षाओं को, इनकी इच्छाओं पे जो नियंत्रण लगा देता है, ऐसे भगवत पुरुष को नमस्कार करना चाहिए। और जिसकी आंख, जिसके कान, जिसकी नासिका, जिसका जीभ, जिसकी त्वचा उसके नियंत्रण में ना हो वो भगवंत नहीं हो सकता। यानी भगवंत के गुण है जो अपने इन इंद्रियों द्वारा संयमित होकर अपनी तृष्णाओं पर संयम आता हो वो भगवंत है। अनंत पुरुष को जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया हो, जो मुक्त हो गया, निर्विकार हो गया हो, ऐसे अरहंत पुरुष को नमस्कार करना चाहिए। फिर कहते तीसरा गुण क्या है उसका, सम्यक। जो सम्यक है, सम्यक का अर्थ क्या होता है, सम्यक का अर्थ होता है जिसका ज्ञान सही है, सत्य है, जिसके ज्ञान में समतुल्य है, सब असमतुल्य नहीं हैगा, डिसबैलेंस नहीं, जिसमें बैलेंस है पूरा, जिसके व्यवहार में, जिसके चरित्र में, जिसके ज्ञान में कोई डिसबैलेंस नहीं है, पूरा जीवन बैलेंस पे बना हुआ है, ऐसे सम्यक ज्ञानी पुरुष को नमस्कार करना चाहिए। फिर कहते चौथा गुण क्या है, कि चौथा गुण है जो संबुदस्य है, कि संबुदस्य वो जिसने किसी की किताब से ज्ञान अर्जित नहीं करा, किसी के कानों की बातों को सुन के ज्ञान अर्जित नहीं करा है, किसी ज्ञान को देख कर अर्जित नहीं करा है, जिसने अपनी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त करा हो, अपनी चेतना से करा हो, अपने चिंतन से करा हो, अपने साधना से करा हो, ऐसे संबोध यानी स्वतः से ज्ञान उत्पन्न करने वाले को नमस्कार करना चाहिए।